नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोयनाज किचन में। मैं हूँ आराधना, लाती हूँ आपके लिए बहुत ही इजी सी रेसिपीज इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आज भी कुछ ऐसा ही बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है पनीर टिक्का मसाला। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का विद ग्रेवी, जो कि खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। चाहे चपाती हो, पराठा हो या हो नान, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आज हम घर पर ही पनीर टिक्का मसाला को तैयार करेंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन। पैन में हमें मस्टर्ड ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद हम तेल को बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, ठंडा इतना कि वो वार्म रहे, वैसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। फिर हमें इसमें डाल देना है एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालते ही हमें बहुत ही जल्दी इस तरह से झटपट इसको हिला देना है एक बार, क्योंकि मिर्ची हमारी जलनी नहीं चाहिए। ये ऑयल हम तैयार करके एक तरफ रख लेंगे। अब करते हैं मैरिनेशन की तैयारी। तो मैरिनेशन करने के लिए हमें चाहिए कर्ड, लेकिन कर्ड कैसा लेना है आपको? हंग कर्ड। इसको आप चाहो तो रात को ही किसी कपड़े में बांध कर लटका दीजिए और पूरा पानी उसका दही का निकाल दीजिए, तो ये तैयार हो जाता है हमारा हंग कर्ड। ये मैंने ले लिया है लगभग एक छोटी कटोरी, जिसमें मैं डालूंगी एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, एक चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला, आधा चम्मच डालूँगी नमक और इसके साथ ही एक चम्मच डालूँगी बेसन। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। एक तरह से ऐसे मिक्स करना है आपको कि अच्छे से फेंटना है। थोड़ा सा इसे पहले मैं मिला लेती हूँ अच्छे से। ये सारे मसाले अच्छे से इसमें हो गए हैं मिक्स। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको स्पून की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे मसाले दही में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब बारी आती है इसमें जो हमने ऑयल तैयार करके रखा था उसे ऐड करने की। तो इसे हम ठंडा करके डालेंगे। जैसे ही ऑयल आपका ये ठंडा हो जाए तब इसे ऐड कर देंगे। अब इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है पूरे बैटर का। काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पूरा मटेरियल तैयार है। अब हमने लिए एक शिमला मिर्ची, इस तरह से बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर। सेम इसी तरह से लिया है प्याज मैंने, तो प्याज को भी इसी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है और बल्ब पूरे निकाल लिए मैंने। अब इनको हम डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसे भी कोट करना है हमें। बेसिकली सारा मसाला जो हमने ये बनाया है मैरिनेशन का, हमारी सारी वेजिटेबल्स पर बहुत अच्छे से कोट हो जाए, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, देन हम इसमें पनीर मिलाएंगे, क्योंकि पनीर जो हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर हम उसे पहले इस तरह से मिलाएंगे तो वो टूटने के उसके चांसेस रहते हैं। तो पनीर को भी बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लीजिए, जैसे कि सब्जियों को हमने बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है, सेम वैसे ही पनीर को बिल्कुल हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है, क्योंकि मसाला जो है पनीर के ऊपर अच्छे से कोट होना चाहिए। एक तरह से पनीर को समझो मसाले से मसाज देनी है, ताकि मसाला जो है काफ़ी अच्छे से पनीर पर कोट हो जाए और पनीर में एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसे देंगे रेस्ट, तो मैं ढककर रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिया एक पैन, उसमें डालूंगी ऑयल। ऑयल में अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम शैलो फ्राई करेंगे। तो जितना भी आपने ये मटेरियल तैयार करा है, आप चाहो तो किसी
टूथपिक में या किसी सलाई में डालकर भी इसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ तो ऐसा मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं उसे फिर इसे बाहर निकालूंगी। तो हम क्या करेंगे, पैन में इस तरह से पूरे में फैला कर इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो पलटते पलटते हुए हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमें इसी तरह का चाहिए, बस हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। हल्का हल्का सा जब आपको लगे कि पनीर फ्राई हो चुका है और वेजिटेबल्स भी जो हमने डाली हैं, प्याज और कैप्सिकम, ये भी दोनों काफ़ी अच्छे से इसका कलर आ चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टर के लिए पनीर टिक्का बनाओ तो आप इसे सलाई में डालकर किसी में उसमें इसे अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए अब तड़के की बारी आती है, तो इसके लिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। एक लिए कश्मीरी लाल मिर्च साबुत वाली, एक स्टार, थोड़े से लौंग, दो तेज पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची। अब इन सारे मसालों को हमें डालना है ऑयल के अंदर। तो ये ऑयल वही लिया है मैंने जो फ्राई करने के बाद बचा है हमारे पास, एक्स्ट्रा हम नहीं यूज़ करेंगे। उसी ऑयल को मैंने एक पैन में डाल लिया है और उसमें सबसे पहले डाले हैं खड़े मसाले। ये फ्लेम को लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है थोड़ा सा। साथ में डाल दूंगी एक चम्मच ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से भून लीजिए। हल्की सी महक आपको इसमें से आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब हल्की सी महक आनी स्टार्ट हो जाए और दूसरा जीरा आपका बिल्कुल अच्छे से भुन जाए, तब हमें इसमें ऐड करना है प्याज। तो यहाँ पर ये मैंने दो प्याज बारीक कट करे हुए हैं, जिसमें से मैं आधा प्याज अभी यूज़ करूँगी तड़के के लिए, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ प्याज बारीक कटा हुआ डाल लिया है। अब प्याज को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से भूनना है आपको, बिल्कुल गोल्डन करना है हमें। मैं बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल में बता रही हूँ कि वो किस तरह से सब्जी बनाते हैं। ये सेम आपकी सब्जी भी ऐसी ही बनकर तैयार होगी। जैसे ही आपका प्याज बिल्कुल गोल्डन हो जाए तो उसमें टमाटर डाल दीजिए और टमाटर को भी बहुत अच्छे से भून लीजिए। टमाटर के साथ ही डालना पड़ेगा हमें नमक, क्योंकि नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से भुन जाता है। यहाँ पर मैंने एक टमाटर का इस्तेमाल किया है जिसे बारीक काट कर लिया हुआ है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए ये देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से हमारा भुनकर रेडी है, ऑयल बिल्कुल उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये सारे मसाले को एक मैं कटोरी में निकाल रही हूँ, इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इस सारे मसाले को हमें क्या कर लेना है, ग्राइंड। तो ब्लेंडर में जार में डालिए जब बिल्कुल मसाला ठंडा हो जाए, और बिल्कुल इसका हम पेस्ट बना लेंगे। सेम उसी पैन में जितना ऑयल हम पे बचा है, इसमें जो आधा बचाया हुआ हमारा प्याज है उसको डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले भूना है, बिल्कुल गोल्डन करना है हमें इसे। तो देखिए लगातार चलाते जाएंगे और जैसे ही आपका प्याज ये गोल्डन हो जाए तो ये जो हमने पेस्ट अभी बनाया है, सारे मिक्सचर को ग्राइंड करके इसे हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से फिर से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं। अब इस सारे मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। दो हरी मिर्ची ली है पहले, स्प्लिट करके इसे भी डाल देंगे और साथ में ही अच्छे से भून लेंगे। अब डालती हूँ थोड़े से ड्राई मसाले। तो एक चम्मच डाला मैंने किचन किंग मसाला, आधा चम्मच नमक, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को हमें काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों को। अब डाल देंगे पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसा आपको पसंद हो, गाढ़ी या पतली, उसी अकॉर्डिंग से आप पानी लगा लीजिए। अब इसको अच्छे से बॉयल होने देते हैं। जैसे ही बॉयल इसमें आ जाए, देन हम इसमें फ्राई करी हुई अपनी वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, अनियन और पनीर, ये सारी चीज़ें डाल देंगे।
अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ी देर हमें इसी तरह से ग्रेवी के साथ पकाना है प्याज और कैप्सिकम, पनीर, इन सारी चीज़ों को, ताकि मसाले जो हैं वो काफ़ी अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएं, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए जैसे ही आपके बॉयल होनी शुरू होगी तो सारा ऑयल वो सब्ज़ी छोड़ देगी, तो इट मीन्स आपकी पककर तैयार होगी ये बहुत अच्छे से। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं गार्निश करने के लिए। और लीजिए आपकी पनीर टिक्का मसाला, कितनी बढ़िया तरीके से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल आपकी बनकर ये तैयार है। इसी तरह से ढाबे वाले या रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। आज सेम यही टेस्ट आपको अपने घर पर आने वाला है, तो दोस्तों ज़रूर बनाइएगा इसे और अपने कमेंट में इसे शेयर करिए। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।